हेलो हेलो गाइस, हियर वी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वी आर हियर टू लर्न टुडे बेसिक नॉलेज ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव क्या होता है ये हम देखेंगे यहाँ पर। सो शुरुआत करते हैं। डेरिवेटिव इट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंसिएशन। डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंसिएशन। डेरिवेटिव जो फाइंड करेंगे वो प्रोसेस होगा डिफरेंसिएशन। तो यहां पर क्या होता है, एक्चुअली डेरिवेटिव यानी क्या है, रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव यानी क्या है, रेट ऑफ चेंज। एक क्वांटिटी जब दूसरे क्वांटिटी के साथ चेंज होगा उसे बोला जाएगा डेरिवेटिव, दैट इज रेट ऑफ चेंज। मतलब जैसे आपको पता होगा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी का मतलब चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डी क्यू बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर मैं लिखू डी वाई बाई डी एक्स तो इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके अलावा जैसे आप देख रहे हो यहां पर y इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स, दैट इज फंक्शन इन एक्स। y इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, दैट इज फंक्शन इन एक्स। तो इसके बेसिक फॉर्मूले होते हैं, बहुत आसान है डेरिवेटिव। बेसिक फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक टाइप। सो जैसे फंक्शन का टाइप होता है उस हिसाब से हम ये करेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ना कैसा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तीसरा डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद में फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इट इज सेक एक्स इंटू टैन एक्स। इट इज सेक एक्स इंटू टैन एक्स। याद रहे स्टार्टिंग में जहां जहां सी आएगा वहां माइनस आएगा। फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टैन एक्स, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। यहां पर एक cot का बाकी है। ओके डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। ये हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक टाइप के छह फॉर्मूले। फोर्थ ये आपका, फिफ्थ और ये आपका सिक्स्थ। ओके सो ये छह फॉर्मूले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टाइप के, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा दूसरा यहां पे होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फर्स्ट वन डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ टू टू द पावर एक्स इज टू टू द पावर एक्स इंटू लॉग टू, टू टू द पावर एक्स इंटू लॉग टू। सेकेंड इज, हां यहां पर याद रहे ए शुड बी ग्रेटर देन वन, ए शुड बी ग्रेटर देन वन ई टू द पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल के दो ही होते हैं, एड द पावर एक्स और इड द पावर एक्स, इनको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है। उसके बाद में लॉगरिदमिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन बाय एक्स। लॉग के सामने जो आएगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। दूसरा
derivative of log x to the base a 1 upon log a into 1 by x. So for example, derivative of log x to the base 10 1 upon log 10 into 1 upon x. Okay, dekh lo apa chiz. तो यहां पे तीन टाइप हो चुके हैं. अब नेक्स्ट टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन. नेक्स्ट टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन. नेक्स्ट टाइप इज अलजेब्रिक फंक्शन. अब अलजेब्रिक फंक्शन में पहला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. फर्स्ट फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन. For example, derivative of x cube, it is 3x to the power 3 minus 1. So 3x square. N की जगह कोई भी आप positive या negative number place कर सकते हैं first formula. Derivative of root x, 1 upon 2 root x. Derivative of root x, 1 upon 2 root x. Third is derivative of 1 by x, minus 1 upon x square. Fourth is derivative of x with respect to x is 1. Fifth is derivative of constant 0. For example, derivative of 3 इज जीरो. थ्री का डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो आएगा. सिक्स, अच्छे से आप देखो, एक एक फॉर्मूला अच्छे से लिखा है. आप साइमल्टेनियसली लिखकर भी निकाल सकते हो टर्म्स. उसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स, तो कोई कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर जाएगा. फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं. तो ये हुए डेरिवेटिव के फॉर्मूले. इसमें एक टाइप बाकी है अभी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. कौन सा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ओके, वो स्टार्ट करें. हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट. एक टाइप रहा है बस, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. इसी पे दूसरा फॉर्मूला फ्री होगा. फ्री मतलब सेम है, सिर्फ माइनस के साथ. माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. सी आया, माइनस लाया. थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, आफ्टर दैट, उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स एक्स, वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन. अच्छे से देख लो एक एक फॉर्मूला. ये दोनों पेयर पेयर है, सी आया, माइनस लाया. यहां पे भी सिक्स फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, सेम होगा सिर्फ माइनस के साथ. सो माइनस वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन. तो ये है कुछ कंप्लीट फॉर्मूले. उसके अलावा एक लास्ट, डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस. डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस, तो इसमें आपको याद रखना है, कोई भी दो फंक्शन लेंगे u एंड v. मान लो u और v दो फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव लेना है, तो यहां पर प्लस माइनस में डेरिवेटिव का बंटवारा. वी सेपरेट डेरिवेटिव इन प्लस एंड माइनस. मतलब यू और वी, फॉर एग्जाम्पल
डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स को इंडिविजुअली डेरिवेटिव दे देंगे प्लस माइनस, इसको बोला जाता है आसान शब्दों में प्लस माइनस में डेरिवेटिव का बंटवारा होता, सो प्लस आया तो प्लस लेंगे माइनस आया तो माइनस लेंगे, तो इतने बेसिक रूल्स कम से कम आपको आने चाहिए, अच्छे से देख लो नोटबुक में लिख लो, एक दो बार लिखेंगे आप तो लर्न हो जाएंगे। ओके, वेरी सिंपल, थैंक यू।